मध्य प्रदेश के इंदौर से बड़ी खबर सामने आई है। शुक्रवार देर रात शहर में बड़ा हादसा हो गया। दो मंजिला इमारत में भयानक आग लग गई, जिसमें 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 8 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। सभी घायलों को MY अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे की जानकारी लगते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड टीम पहुंची। फिलहाल दोनों टीमों मौके पर मौजूद हैं। इस घटना के बाद फिलहाल अफरा तफरी का माहौल है। लोगों की चीख पुकार की आवाजें सुनाई दे रही हैं। मरने वालों में 6 पुरुष और 1 महिला शामिल है। दरअसल आग लगने का यह भयानक हादसा इंदौर के विजयनगर थाना क्षेत्र में हुआ, जहां स्वर्णबाग मोहल्ला की 1-2 मंजिला वाली बिल्डिंग में आग लग गई। इस अग्निकांड में मरने वालों में 6 पुरुष और 1 महिला शामिल है। हालांकि अभी यह सामने नहीं आया है कि मृतक एक ही परिवार से संबंध रखते थे या नहीं। वही घटना के बाद फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम मौके पर मौजूद है, जो लोगों को बाहर निकालने में जुटी हुई है। पुलिस ने मृतकों के शव MY अस्पताल भेजे हैं। आग ने लिया विकराल रूप, कुछ ही देर में सब जलकर हुआ खाक। बताया जा रहा है कि देर रात अचानक बिल्डिंग से धुआं निकलने लगा। जब तक लोग कुछ समझ पाते, आग ने जब तक धीरे धीरे भयानक रूप ले लिया। कुछ लोगों की तो हादसे के वक्त गहरी नींद लगी हुई थी, जब आग खुली उन्होंने अपने आप को आग के बीच पाया। घटना की खबर लगते ही फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। दमकल की गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि 7 लोग जिंदा जलकर मर चुके थे। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।